जैसे हम सभी लोग यूनिक है, एक हमारा जो चेहरा है ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं होता है. दैट्स अ काइंड ऑफ नेचर वी कैन से, और दैट्स अ काइंड ऑफ गॉड्स एनर्जी वी कैन. कोई किसी के जैसा नहीं दिखता है. एक्चुअली होता क्या है, नाक है, कान है, टू आईज एंड बट शेप, एंड वो इतना यूनिक होता है. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ नेचर. ह्यूमन, हमारा जो मानवीय शक्ति है वो नेचर के आगे बहुत ही छोटी है. जितना हम नेचर से जुड़े रहते हैं उतना हमारी लाइफ सरल हो. यही हमें वास्तुशास्त्र में भी इम्प्लीमेंट करना है. जितना हम नेचुरल रिदम है, नेचुरल एलिमेंट्स है, नेचुरल ऑर्डर है, उसके साथ हमारा भी लाइफस्टाइल हो. और नॉट ओनली आप जब इंटीरियर की प्रैक्टिस करोगे या आप जब भी किसी को भी वास्तु की प्रैक्टिस करनी है, तो यू सी दैट कि दिस नेचुरल रिदम इज मेंटेन इन द इंटीरियर्स एज वेल. ओके, तो जैसे आप जानते हो कि अभी अगर हमारा एक साइज है, शर्ट पहनते कपड़े पहनते उसका एक हमारा साइज होता है, तो वही कपड़े नॉट नेसेसरी कि हर एक को फिट हो जाए. ऐसे ही वास्तु जो है, एवरी वास्तु इज यूनिक इन इटसेल्फ. कोई भी वास्तु एक एक जैसा नहीं होता. एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम डायरेक्शन होते हैं, सेम जोन होते हैं, बट हर एक फ्लैट में वास्तु अलग होता है. सेकंड फ्लोर पे अलग है, थर्ड फ्लोर पे अलग है. वाई? बिकॉज वहाँ पे जाके डिग्रीज चेंज होती है. नहीं तो लगेगा ना कि अरे फोर्थ फ्लोर पे इसको प्रॉब्लम नहीं, थर्ड फ्लोर वाले को अलग प्रॉब्लम है. देर आर थ्री रीजन. फर्स्ट इज, हर एक फ्लैट में डिग्रीज थोड़ी ना थोड़ी चेंज होती है. ठीक है, जैसे जैसे हम हाई राइज बिल्डिंग में ऊपर जाते हैं वैसे वहाँ की वाइब्रेशनल एनर्जी भी चेंज. एग्जाम्पल, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनको टेलुरिक एनर्जी, ग्रेविटल फोर्स से आने वाली एनर्जी ज़्यादा इफेक्ट करेगी. और जो टॉप फ्लोर पे रहते हैं उनको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है या जो बहुत ज़्यादा धूप है, जहाँ भी नेचुरल जो एनर्जी है उसका उस पर ज़्यादा परिणाम. ये समझ में आ गया पॉइंट? तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ग्राउंड फ्लोर भी इतना ठीक नहीं रहता है, बिकॉज डायरेक्टली पीपल अर्जेंट ग्रेविटेशन. मैम एक्चुअली आवाज ब्रेक हुआ आपका. हाँ एक रिपीट कर, दैट मीन्स ग्राउंड फ्लोर पे जो भी रहते हैं वो लोग ज्यादा टेलुरिक या ग्रेविटेशनल एनर्जी के चपेट में आ जाते हैं. They tend to absorb more negative energy than people who are living on the top floors. ठीक है, और जो भी टॉप फ्लोर पे, टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहते हैं उनको जो कॉस्मिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. जैसे बारिश बहुत आ गई हो या फिर धूप हो गई, ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स की एनर्जी उनको ज़्यादा. तो ये एनर्जी और इसका जो वाइब्रेशनल फील्ड है आपको ध्यान में रखना है. वी आर नॉट जस्ट स्टडिंग द थियरी और काइंड ऑफ. ऐसे ही जब भी इंटीरियर डिजाइनिंग भी करते हो तो भी आपको ये सब ध्यान में रखना है कि प्लॉट कैसे है, आपका व्यू कैसे हो, कि ग्राउंड लेवल पे उसका शेप कैसा है और टॉप लेवल पे जाके कैसे दिखता है. यू कैन विजुअलाइज और टेक दैट गूगल अर्थ मैप इटसेल्फ, यू कैन चेक कैसे दिखता. तो अभी फर्स्ट वी विल सी के प्लॉट कैसे, भूमि परीक्षा जिसको बोलते हैं, इसको कैसे देखते हैं. उससे पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज, कि पहले के ज़माने में जो हमारा फीट एंड इंचेस का मेजरमेंट नहीं था, पहले के ज़माने में भी जो बिल्कुल नेचुरल होता था, जैसे अंगुलाज होते हैं, वॉट इज अंगुला, तो जो भी इसका भी घर है उसके जो फिंगर्स है या हाथ है हस्ता, उसके अनुसार वो घर बनाया जाता. वो टाइम पे मेजरमेंट बिल्कुल वैदिक काल में अलग थे, लेकिन उसमें परफेक्शन ज़्यादा था. और उसमें जिसका जिसके लिए बना रहे हैं उसके हाथ का या उसके बॉडी के मेजरमेंट के अनुसार वो बनाते थे, इसके लिए उसका रेजोनेंस बहुत परफेक्ट होता था. ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए है, इट्स नॉट कनेक्टेड विद द इंटीरियर वास्तु. ओके, इज द हिस्ट्री.
सेकंड थिंग, अभी जो भी कंपास हमें लगता है, हाउ यू कैन मेजर द डायरेक्शन, हाउ यू कैन सी वेदर नॉर्थ इज वेयर एंड वेयर इज द साउथ, तो इसके लिए मैग्नेटिक कंपास होता है, उसमें नीडल होती है जो हर एक कंपास में जहाँ पे रेड नीडल जहाँ पे मार्क होता है वो नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, कहीं भी आप कंपास रखो जहाँ पे वो नॉर्थ दिखाएगा वही नॉर्थ. ओके, बिकॉज दोज आर मैग्नेटिक कंपास, दोज आर डिजाइन दैट. और इसमें ट्रू नॉर्थ इतना हमें बिल्कुल नहीं मिलता है. वाई? बिकॉज द अर्थ का जो एक्सिस है वो 23 डिग्री टिल्टेड है, तो बिल्कुल ट्रू नॉर्थ नहीं मिलता है, थोड़ा सा अंतर होता है, बट वो इतना मैटर नहीं करता है एज पर वास्तु. और जो मैं बता रही थी कि हाई राइज फ्लोर में रहते हैं तो हर एक फ्लैट में अलग अलग वाइब्रेशन एनर्जी होती है, बिकॉज हर एक का इंटीरियर डिजाइनिंग अलग होता है, वहाँ पे डिग्रीज अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है, थिंकिंग पैटर्न अलग होते हैं, और उनकी कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी हर एक के अलग अलग होते हैं, और उनके ग्रह दशा के अनुसार उनको दे एक्सपीरियंस द फील इफेक्ट्स ऑफ द वास्तु. ठीक है, ये एक कंसेप्ट क्लियर चाहिए आपको कि जो शरीर में पंच तत्व है जैसे अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये सब है, वैसे वास्तु में भी है, वैसे नेचर में भी है, एवरीथिंग इज पंच महाभूत. तो अभी हम देखते हैं कि वास्तु के अनुसार फ्लैट प्लॉट कैसे सिलेक्ट करना है या फिर प्लॉट कैसे होना है. अगर बेसिकली प्लॉट ही ठीक हो तो आगे जाके बहुत सारी चीजें शॉर्ट आउट होती है, बैलेंस ही रहती है, नेचुरल ऑर्डर वहाँ पे होती है. तो इसमें आपको जैसे सिखाया था कि साउथ में अर्थ एलिमेंट होता है, और अर्थ एलिमेंट जितना ज्यादा उतना वहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है. और नॉर्थ जो डायरेक्शन है वहाँ पे ईश तत्व है, आकाश तत्व है, जल तत्व की दिशा है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट आकाश तत्व, तो वहाँ पे जितना स्लोप हो, वहाँ पे जितना ये स्लोप हो या फिर रिपीट हो उतना वो अच्छा माना जाता है वो प्लॉट. तो फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी प्लॉट में नॉर्थ में स्लोप होना, नॉर्थ या ईस्ट में जो कॉस्मिक डायरेक्शन है वहाँ पे स्लोप होना बेटर है. जैसे हम कभी पानी या कुछ डालते हैं ना, वो दिशा में बहना चाहिए, दैट इज कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस प्लॉट. और अगर ये उल्टा होता है तो वहाँ पे एनर्जी का इम्बेलेंस होता है, बस सम डायरेक्शन में वो एनर्जी सारी बह जाती है. जैसे साउथ में स्लोप हो तो वो घर में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, या फिर फाइनेंशियल जो है अप एंड डाउन होते हैं, रिलेशन ठीक नहीं होते, ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं. ये तो एक नेचुरल रिदम का मैंने बताया. नाउ वी शुड सी कि एक्चुअल प्लॉट किस तरह से हमें चेक करना है. तो इसमें इसमें भी हमारे फाइव एलिमेंट्स का बहुत रोल होता है. ह्यूमन की जो फाइव सेंसेस है उसके अनुसार वो चेक करता है, करना होता है. तो उसमें फर्स्ट आता है कि उसका कलर कैसा हो. ब्लैक सोइल, अभी जैसे अभी मिडिल ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पे ब्लैक कलर की सॉइल है, कोकण में जाते हैं तो वहाँ पे रेड कलर की सॉइल है. तो वो भूमि कैसे उपजाऊ है, कैसे है या बंजर है, उसके अनुसार ही उनको जो जातक वहाँ पे रहते हैं उनको उसके फल मिलते हैं. वो सॉइल में ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब वाटर का कंटेंट कितना है, उसमें शल्य कितना है. जैसे अभी भूमि परीक्षण में क्या पहले देखना होता है कि कुछ सॉइल है उसमें थोड़ा सा पानी डालते, एक पिट बनाते हैं 2x2x2 का, 2 फुट बाय 2 फुट और 2 फुट का डीप ऐसे बनाते, और उसमें वही जो मिट्टी निकाली है उसको भर देते. अगर वो मिट्टी एज इट इज इवनली स्प्रेड होती है या फिर ज्यादा रहती है और हमारे हाथ में थोड़ी रह जाती है तो दैट गिव्स प्रॉस्पेरिटी, वहाँ पे बरकत होता है. और अगर ऐसे नहीं होता है, शॉर्ट हो जाती है, मतलब मिट्टी हमने भरी है लेकिन और वहाँ पे भरना पड़ेगा अगर लेवल करना है, तो इसका मतलब है वो प्लॉट ठीक नहीं है, वो खरीदना नहीं है. तो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट, यू विल नॉट क्रिएट दिस पॉइंट्स इन एनी बुक एक्सेप्ट
एंशियंट वैदिक शास्त्र. फर्स्ट पॉइंट इज मेक टू फीट ऑफ डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई होती बीप भी दो फीट होना है. देयर शुड बी अ पीट, देन इन वन ऑफ द पीट्स जो भी क्ले निकालिए द सेम क्ले शुड बी फिल्ड अगेन. इफ द क्ले रिमेन्स इवन आफ्टर फिलिंग द पीट, फास्ट हो रहा है तो बताना, ये इम्पोर्टेंट है. Then it gives prosperity. मट्टी भरने के बाद में अगर बच जाती है तो प्रॉस्पेरिटी. If it is just equal or falls short, the plot should not be fun. Yes. Ma'am, can you repeat this again? Yeah, yeah. एक ही इसमें स्लोप में बोलती हूँ, it will be easy for you. Or two feet of the dimensions, 2 feet by 2 feet by 2 feet, should be dug. In one of the pits, the same clay should be filled again. If the clay remains, even after filling the pit, it gives prosperity. If it is just equal, or falls short, plot will not bring prosperity. And it should not be purchased. और एक मेथड है जो प्रैक्टिकली दिखाना ज्यादा बेटर होता है, बट आई विल एक्सप्लेन यू विल अंडरस्टैंड. कि दूसरा है कैसे पिट बनाते हैं, अनदर पिट, और उसमें पानी भरते. सो द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर व्हाटएवर वी हैव बीन डूइंग उसको देखते हैं. अगर वो 1 घंटे से ज्यादा हो जाता है करता है तो प्रॉस्पेरिटी होती है. अगर वो पानी जल्दी एब्सॉर्ब कर लेता है या फिर उसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, दैट मीन्स दैट इज अगेन दैट विल ब्रिंग हेवी एक्सपेंसेस और हेवी लॉसेस फॉर द पर्सन. ओके, तो सिर्फ पानी डाल के देखना है कि कितना टाइम में वो एब्सॉर्ब होता है. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ये भी एक्सप्लेनेशन संस्कृत में ही है, शास्त्रास में. ये बुक कौन से बुक में मिलेगा? एक मयमतम है उसमें मिलता है, और ये विश्वकर्मा प्रकाश में.
जो फर्स्ट पॉइंट बताया था स्लोप का, वो भी लिखना कि द स्लोप ऑफ द फ्लैट प्लॉट शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, एंड इट शुड नॉट बी टुवर्ड्स साउथ, मतलब साउथ फेस और साउथ फेस नीचे ना हो ऊपर एज कंपेयर टू कॉस्मिक डायरेक्शन. मैम ये एक बार रिपीट करो ना. द स्लोप ऑफ द प्लॉट शुड नॉट बी टूवर्ड्स सिंक डायरेक्शन. सिंक डायरेक्शन कौन सी है? साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड ऑस्पिशियस प्लॉट has the slope towards north or northeast or east. ईस्ट में सबसे बेस्ट है वो श्लोक. ऐसा है कि पूर्वे प्लवे लक्ष्मी, जहां कहीं भी पूर्व दिशा में स्लोप है जो जमीन का या जो घर वास्तु का, पूर्व दिशा के पूर्व दिशा से लक्ष्मी घर में आना ऑस्पिशियस एनर्जी. देन और एक रूल है कि जो भी प्लॉट है उसके आसपास विद इन 30 फीट के अंदर कोई भी मंदिर या कोई समाधि या जो भी है क्रीमेशन ग्राउंड वगैरह नहीं होना चाहिए. अच्छा, ऐसा कोई भी घर नेवर परचेज एनी सच फ्लैट वेयर डेथ हैज हैपेंड विद इन पास्ट 6 मंथ्स. या जो प्लॉट लेते हैं उसकी उसका जो ओनर है उसकी उनके घर में अगर पिछले 6 महीने में कोई मृत्यु हुई है तो वो भी नहीं खरीदना चाहिए. देन इफ द कलर ऑफ द सॉइल, मिट्टी जो होती है वो अगर ब्लैक है, जो भी रहते हैं लोग वहां पे उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है. तो कलर ऑफ द सॉइल इफ इट इज ब्लैक देन इट इनवाइट्स हार्ड वर्क. वहां पे इम्प्रूवमेंट स्लो हो जाती है. तो आप देखते हो जितना कोकण में प्रॉस्पेरिटी है, खेत खलियान अच्छे, उतना जो नागपुर वगैरह या सोलापुर में जहाँ पे काली मिट्टी वहां पे इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं रहते हैं. वहाँ पे पानी भी कम रहता है, स्केलसिटी ऑफ वाटर. तो ब्लैक सॉइल इज नॉट ऑस्पिशियस, कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस. और रेड सॉइल या वाइट सॉइल है तो वो बहुत अच्छी है, दैट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी. समटाइम्स व्हाट हैपन कि ऊपर का लेयर होता है वो ब्लैक होता है, अगर 3-4 फीट नीचे जाके देखते हैं तो रेड कलर या व्हाइट कलर की सॉइल होती है. तो वो भी चेक करना पड़ता है कौन से जोन में कैसा है. इज इट क्लियर? तो अभी इसको टेस्ट जो है सॉइल की टेस्ट भी इम्पोर्टेंट होती है. जैसे अच्छी अच्छी स्मेल है और अच्छी टेस्ट है तो वो सॉइल अच्छी है, वो प्लॉट अच्छा है. लेकिन अगर ऐसा कड़वा लगता है, जैसे मुंह खराब हो जाता है टेस्ट करके थोड़ा सा, तो वो सॉइल खराब हो जाता है. ठीक है, क्लियर? एनी डाउट अबाउट ऑल दिस? ये थोड़ा सा हेवी होता है तो बता दीजिए मुझे, आई विल मेक इट मोर इजी कर दे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो भी सॉइल है
हमने कलर देखा, उसका टेस्ट देखा, अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो शल्य चिकित्सा जिसे शल्य वास्तुशास्त्र में सम्रांगण सूत्रधार में ये दिया है कि जो भी प्लॉट है जमीन में कुछ ना कुछ ऐसे कभी हड्डियां होती है, कभी कांटेदार वृक्ष होते हैं, कभी कुछ स्केलेटल भी मिलते हैं, कुछ एनिमल्स के पार्ट्स मिलते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, शल्य बोलते हैं। तो किसी भी वास्तु में अगर आप जाते हो और वहाँ प्लॉट में आपको ये सब मिलता है तो उसका एक रिजल्ट होता है, तो ऐसे प्लॉट को नहीं लेना है जहाँ पे कांटे वाले वृक्ष हो या फिर ऐसा शल्य हो कोई। और ऐसा कोई भी प्लॉट जिसके बिल्कुल बाजू में हाई या जिसके ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही है, ये भी शास्त्रों में नहीं, इसे मॉडर्न वास्तु बहुत ही पूरे एरिया की हाई टेंशन वायर वो प्लॉट के ऊपर से जा रही है, तो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उससे वो घर में जो भी घर बांधेगा उस पर या बिल्डिंग में रहेगा उसको कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा। सो अवॉइड सच प्लेसेस वेयर देयर इज ओवरहेड हाई टेंशन वायरिंग और एनी ट्रांसफॉर्मर है नजदीक या फिर वो टावर होता है ना मोबाइल का वो भी आसपास, वो तो ऐसा कर नहीं लेना चाहिए बिकॉज दैट रेडिएशन विल इनवाइट कैंसरस डिजीजेस। क्लियर हो गया? ये शास्त्र में नहीं, दिस इज मॉडर्न। तो ये सारे ऐसे होते हैं पॉइंट्स व्हाइल सिलेक्शन ऑफ द प्लॉट इज कंसिडर्ड। अच्छा, जो प्लॉट है उसके शेप से हम आगे देखते हैं। अगर प्लॉट में बहुत सारे पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, तो दैट मींस वो और सॉइल भी वहाँ की नॉर्मली येलो होती है, ये देखा गया है। तो ऐसे ऐसे जो प्लॉट है वो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रॉस्पर। तो इफ द सॉइल ऑफ द प्लॉट इज थोड़ा धीरे सब्जी रॉक और इट इज येलो इश कलर, it becomes prosperous for the business person. So naturally unka business flourish hota hai. So jis plot ke south mein pani ho ya lake ho ya kuch bhi aisa water element ho usko bhi avoid karna hai, wo early death invite karta hai. और एक सिंपल टेस्ट बताया है वास्तुशास्त्र में, ये बताया है मानसार करके शास्त्र, इसमें ऐसे बताया, मैं एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि ये संस्कृत में है। जो भी प्लॉट है उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक वेसल या एक पॉट रखते हैं, आवाज आ रही है? यस यस, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक प्लॉट पर एक ऐसे वेसल रखे जिसमें पानी भर के रखे और उसमें जो अच्छे से फूल होते हैं जैसे मोगरा है या कोई भी अच्छी स्मेल वाले फ्लावर से सुगंधित फूल उसमें डालने हैं वहाँ पे, और उसको वही रहने देना है। आफ्टर 10 or 15 minutes ड्यू टू द वाइब्रेशनल एनर्जी एंड एयर एंड एवरीथिंग वो ऐसे घूमता है अंदर। अगर वो सर्कुलर घूमता है टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन तो दैट प्लेस इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। उसका जो रिदम है प्लॉट का, एनर्जी का रिदम बहुत अच्छा। तो वो फूल है वो या फिर पत्ता भी आप डाल सकते हो, तो वो देखे कि वो स्वस्ति का